लार्जर प्लेस कहां पर नजर होगी, इस पर आपसे एक बार राय लेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गोफर्स ने 3 दिनों के लिए बुकिंग रोक दी है। जी हां, 3, 4 और 5 मई की बुकिंग नहीं ले रही है गोफर्स। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर आते हुए देखने को मिली है। एविएशन सेक्टर से जुड़ी एक खबर, एविएशन प्ले में इस वक्त ये खबर का आना काफी हद तक कंसर्न्स पैदा कर सकता है, क्योंकि ये वही समय है गर्मियों की छुट्टियां शुरू होना और काफी हद तक ट्रैवल प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में एक खबर, गोफर्स ने अगले 3 दिनों के लिए, 3, 4 और 5 मई के लिए बुकिंग रोकी है। इसके पीछे की वजह क्या है? कंपनी के 50% से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं वो ग्राउंडेड हैं इस वक्त, तो ये कंसर्न है जो कि कंपनी के लिए, कारोबार के लिए सामने। और एविएशन पर इस वक्त क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, इस पर खास नजर रखनी होगी। और मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं कल इसी फ्लाइट से आया हूँ। अच्छा, ओके। तो ये हुआ क्या कि 6:30 बजे की फ्लाइट मेरी 9:30 बजे तक की कर दी गई, और इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी यही बता रहे थे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप एयरपोर्ट पे कभी जाके चेक करेंगे, इनका वैसे भी रूट दिल्ली बॉम्बे वाला रूट ज़्यादा है या और जगह पर कम उड़ान भरते हैं, इनके जो इंजन्स की प्रॉब्लम है पी एंड डब्ल्यू के साथ जो है, उनको सप्लाई नहीं हो रहा, और इनके क्राफ्ट जो है करीब 50% से ज़्यादा ग्राउंडेड है, तो इसलिए इनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि अब इनको कुछ कैश फ्लोस की भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए होती है आपको किसी भी एयरलाइंस को चलाने के लिए। इसलिए ये 3, 4, 5 दिन की बुकिंग को ये रोक रहे हैं ताकि मैस ना हो, नाम खराब ना हो, प्रॉब्लम चीजें ना बढ़ें। इसलिए अच्छा है सारी चीजों को रोक दिया जाए। लेकिन 3:30 की फ्लाइट 6:30 बजे हो गई थी। वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे चलते हैं। समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके समीर, जरा बताना ये प्रॉब्लम क्या है, ये इंजन की प्रॉब्लम है, कैश क्रंच है, दोनों कॉम्बो है, इंजन और कैश क्रंच दोनों? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह ये है, गोफर्स जो फ्लाइट है, जो हवाई जहाज का बेड़ा है, उसमें से 50% से ज्यादा उसके हवाई जहाज वो ग्राउंडेड है अलग अलग वजहों से। एक बड़ी वजह यह है कि जो प्रैट एंड विटनी के जो इंजन लगे हुए हैं वो सर्विसेबल कंडीशन में नहीं है, वो उड़ान भरने की कंडीशन में नहीं है, और इसके लिए गोफर्स्ट की पीएनडब्ल्यू से, प्रैट एंड विटनी से अलग एक लड़ाई, लीगल लड़ाई चल रही है। इसके साथ ही साथ गोफर्स्ट के पास में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो आर्थिक संकट है, वो भी लगातार गहराता जा रहा है। उसका नतीजा ये है कि वो कई स्टाफ को अपने टाइम पर सैलरी नहीं दे पा रहा है। तो ये दोनों ही दिक्कतें जो है वो गोफर्स्ट की लगातार गहराते जा रही हैं, और उसका नतीजा जो है वो अब दिखना शुरू हो गया है। फिलहाल जो स्थिति है, अगले 3 दिनों के लिए, यानी कि 3, 4 और 5 मई को गोफर्स्ट ने टिकट बुकिंग लेना इस वक्त बंद कर दिया है। इसका ऑफिशियल क्या वजह है, इस पर अभी कमेंट गोफर्स्ट ने नहीं किया है, लेकिन जो हमें सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है वो यही है कि फिलहाल एयरक्राफ्ट की दिक्कत और जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गोफर्स्ट की, उसके चलते ये फैसला लिया गया है। और इसका अब आप बड़ा, अगर आपको तस्वीर देखनी है, वो आपको दिखनी भी शुरू हो जाएगी। बड़े संख्या में गोफर्स्ट के जो फ्लायर्स हैं, जिन्होंने टिकट बुक करी है, वो कैंसिलेशन और रिफंड की शिकायतों को लेकर के सोशल मीडिया का रुख कर रहे हैं, वहां पोस्ट कर रहे हैं अपनी शिकायतें कि गोफर्स्ट की ये फ्लाइट कैंसिल है या रिफंड में ये समस्या आ रही है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, ऐसा दिख रहा है कि ये संकट गोफर्स्ट का और गहरा सकता है, और इसमें अब आप हो सकता है कि एविएशन मंत्रालय या एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की एक्टिव भूमिका होते हुए नजर आएगी। जी ठीक है, और राइट समीर, शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए डिम्पी, आप तो 3.5 घंटे बाद कम से कम फ्लाइट बोर्ड कर पाए थे। 4 दिन पहले तो अहमदाबाद से गोफर्स्ट की ही एयरलाइन थी, 4, 4.5 घंटे तक पैसेंजर्स बहुत परेशान रहे थे। नहीं, ये तो है, फ्लाइट के अंदर का एक्सपीरियंस भी खैर बताने नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं था।